एजेंसियों की नींद हराम करती है, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावधान सावधान सावधान, आपके अधिकार पर साइबर अटैक, साइबर आर्मी पर भारी सेंधमारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट है, चुनाव से पहले किसकी जान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 2 साल पहले बड़े बड़े दावों के साथ दम भरने वाले चुनाव आयोग की वेबसाइट सहारनपुर के गांव में बैठे युवक ने हैक कर ली। आप हैरान इस बात पर हो सकते हैं कि हैकर ने महज 2 महीने में 10,000 वोटर आईडी कार्ड बना डाले। 2 साल पहले चुनाव आयोग ने यह दावा किया था कि उनकी वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता। साइबर हमले से बचने के लिए सुरक्षा अधिकारी को नियुक्ति की गई थी तथा थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट भी कराया गया था। राज्यों में नोडल ऑफिसर बनाए गए थे, लेकिन खबर आ रही है कि सहारनपुर जैसे पिछड़े इलाके में एक बीसीए के हुए नवयुवक ने पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग की वेबसाइट से लगातार छेड़छाड़ की है, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना दिया। साइबर अटैक की सूचना मिलते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसी एक्टिव, तो उधर चुनाव आयोग की एक टीम भी सहारनपुर पहुंच गई। पकड़े गए आरोपी विपुल सैनी के कंप्यूटर भी खंगाले, तो पता चला कि साइबर हैकरों ने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक कर लिया है और 3 माह में 10,000 से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड बना चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के साइबर क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर, यहीं से ये वो थाना है जहां से इसको गिरफ्तार करके विपुल को जेल भेज दिया है। हैकर ने बीसीए किया है और इसके खाते से 60 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट करते हुए हमला बोला और लिखा कि ये चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा का भी सवाल है, अच्छे से जांच होनी चाहिए। यही नहीं, सरकार की कई बड़ी वेबसाइट्स में बड़े लूप होल्स हैं जो समय समय पे दिखते रहते हैं, चाहे वो आधार की वेबसाइट हो, चाहे वो कोवैक्सीन की वेबसाइट हो। तो सरकार की ये जरूरत है, इतने वक्त की ये जरूरत है कि नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहे, उनकी पहचान सुरक्षित रहे, उसके लिए उसको बड़े प्रयास करने होंगे। हालांकि सहारनपुर की साइबर सेल विपुल सैनी से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है, तो वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसीज मिलकर इसके पीछे के राज से पर्दाफाश करने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग के उन दावों का क्या, आम जनता के भरोसे का क्या, लोगों के अधिकारों का क्या। भारत समाचार के लिए सहारनपुर से विशाल कश्यप की रिपोर्ट।